क्लास याद है क्या मानेंगे? क्लास नहीं याद है? देखो ना, खोल के देखो तब याद है क्या मैं क्लास देंगे। यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में देखो लास्ट क्लास, यूट्यूब में देखो क्या मैं क्लास दिए हुए हैं, उसमें देख लिया है यानी कि छोड़ देना। कंफर्म ना? उसके बाद तो प्रैक्टिस वगैरह करवा दी इसने 2 दिन। देख लेते हैं, 7 दिए, 8वां दिन बाकी है, वही ना? कोई डाउट क्या? हाँ, तो अपना जो सब नहीं देखा होगा क्लास सब। हाँ बंद था, हम अपने बिजी थे तो। दूसरा मार्कर लो तो वहां से, सर चलो तो मार्कर है, वो मार्कर तो लगता है खराब हो गया। खराब कदली आया वो कदी पानी लेके आया, कॉमेडी है रे। दिल में ट्राई करेगा तो देखो उसको, उसको फिल्म में ट्राई करना चाहिए, टिकटॉक भी ट्राई करेगा तो खूब नाम कमाएगा। आया तुम भी ना, हीरो है रे, हीरो अमिताभ बच्चन के बाद तुमने ना मराएगा। देखो शुरू से दे रहे थे, बेसिक से पढ़ लिया होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा था तो चुपचाप पढ़ लेना। एक होता है प्रॉपरली, क्या होता है बोले जरा, क्या बोलेंगे? प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, क्या बोलते हैं? ठीक से, और बोल सकते हैं या अच्छी तरह से, ठीक से या क्या बोलते हैं? अच्छी तरह से। अगर किसी को बोलेंगे कि ठीक से बैठो, क्या बोलेंगे? ठीक से बैठो, तो पहले बैठो का अंग्रेजी बनाएंगे, बैठो मतलब बैठना का, तो बैठना क्या होता है? सीट। अच्छा सीट याद करो, दो गो बताए थे, एगो SEAT सीट, एगो हाँ SIT सीट। तो बैठने का बात होगा तो SIT होगा, क्या है कि SET सीट का मतलब क्या होता है याद है? SIT सीट का मतलब बैठने का स्थान होता है, कोई दिक्कत ना, नहीं याद है तो हमें ना, बैठने का स्थान SEAT सीट, और एक होता है SIT सीट, हाँ इसका मतलब होता है बैठना। तुम ही देख लो कि SIT होगा कि SEAT होगा, समझ में आ गया ना? तो बैठना का क्या होता है? और ठीक से का क्या होता है? प्रॉपरली। अब दोनों को एक साथ बोल दो, सीट प्रॉपरली, क्या बोलेंगे? किसी को बोलेंगे ठीक से बैठिए तो क्या बोलेंगे? प्रॉपरली का मतलब
ठीक से अच्छी तरह से ढंग से, हाँ सब बात यही प्रॉपरली हो जाएगा। अच्छा यहां बैठने का बात था तो सीट को बोले हैं, जैसे बोलेंगे कोई लिख रहा है तो बोलेंगे ठीक से लिखो, तो क्या बोलेंगे, बात समझ में आ गया, बोलेंगे ठीक से लिखो। तो देखो तो लिखो का क्या होगा, राइट, ठीक से का, तो बोलेंगे ठीक से लिखो, समझ में आ गया। जैसे बोलेंगे कुछ बोल रहा है ठीक से नहीं बोल रहा है, बोलेंगे ठीक से बोलिए, तो बोलना का क्या होता है स्पीक, और ठीक से का तो बोलेंगे ठीक से बोलिए, तो क्या बोलेंगे स्पीक प्रॉपरली, क्या बोलेंगे ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली, ठीक से बोलो, ठीक से जाओ, गो प्रॉपरली, हाँ सीखो आराम से कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी बोलेंगे और आप लोगों को इंग्लिश बोलना है, बोलेंगे ठीक से जाना, गोइंग नहीं गो, आईएनजी नहीं लगाना है, गो प्रॉपरली, क्या बोलेंगे सीट कर रहे हैं कि सीटिंग कर रहे हैं, राइट करें कि राइटिंग कर रहे हैं, तो गो करेंगे कि गोइंग करेंगे, समझ में आ रहा ना, बोलेंगे ठीक से आना, कैसे मम्मी बोलेगी, मान लो अगर पटना से आ रहा है तो मम्मी बोलती है ना ठीक से आना, तो क्या बोलेगी काम प्रॉपरली, ठीक से जाना, ठीक से सोचना, थिंक प्रॉपरली, ठीक से बैठना, ठीक से चलाना, जैसे साइकिल चलाना है, मान लो चलाना मतलब साइकिल चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, तो राइड प्रॉपरली, क्या बोलेंगे राइड प्रॉपरली, हिंदी हो जाएगा ठीक से चलाना, ठीक से चलाना, इतना लिखो प्रॉपरली आराम से लिखो सीखो बोलो। आज से सब रेगुलर रहेगा, जो नया बोल देना। फास्ट थोड़ा फास्ट लिखो, बहुत प्राण रहता है, पीछे से पढ़ा कोई डाउट नहीं है, पीछे समय उतना बात को बोल लेता है ना, उसको कोशिश करो बार बार, हाँ इन्हें की एक ही बार 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 उतना ही बात को अपने आ जाएगा, हमको आ गया ना तुमको भी आ जाएगा। आगे बोले अच्छा, जैसे यहाँ चलाना समझ लो, चलाना का क्या बोले इंग्लिश, चलाना का इंग्लिश राइट, सिर्फ राइट ही नहीं होता है, चलाना नहीं पड़ा बताया तुम लोग, हाँ चलाने का बहुत ही इंग्लिश होता है, जैसे देखो शुरू से देखो आराम से चलाने के बारे में बता रहे हैं, चलाना जैसे साइकिल चलाता है ना, उसका अलग इंग्लिश है, घोड़ा चलाएगा अलग है, स्कूटी चलाएगा अलग है, कंप्यूटर चलाएगा अलग है, नाव चलाएगा अलग है, हवाई जहाज चलाएगा अलग है,
इसका मतलब सीखना पड़ेगा। शुरू से देखो, जैसे राइट का मतलब होता है चलाना, नीचे दिखा है ना, राइट का मतलब क्या होता है चलाना। लेकिन ये होता है दो चक्का के लिए, कितना के लिए, दो चक्का या दोनों तरफ पांव रख के चलाएंगे तब, कब बोले है, कब होगा, नहीं कब, दो चक्का, तो दो चक्का में तुम ही बोलो क्या सब आता है सर, साइकिल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, स्कूटी भी आ जाएगा, मोटरसाइकिल भी आ जाएगा, तो उस सब चलाने के लिए रिक्शा कैसे आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो साइकिल स्कूटी ये सब चीज आ गया दो चक्का में, मोटरसाइकिल क्या चक्का में आ गया, दो चक्का में आ गया, तो दो चक्का चलाएंगे तो क्या लगाएंगे, राइट। और या दोनों तरफ पांव रख के चलाएंगे तो, दोनों तरफ पांव रख के चलाएंगे तब किसका यूज करेंगे, राइट, क्या बोलेंगे, राइट। अच्छा, हमको खांसी आ रहा था उसको बोलते हैं, जैसे छींक रहा है ना उसको स्नीज बोलते हैं, पहले खत्म ही कर देते टॉपिक को, स्नीज मींस छींकना, याद आएगा ना, अभी हम क्या किया है, ठीक है ना, स्नीज क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डोंट स्नीज, अच्छा मना करेगा, मना करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाँ मना करते हैं सर डोंट का यूज करते हैं, किसका करते हैं, तो बोलेंगे मत छीको, डोंट स्नीज बोलेगा ना, क्या बोलेंगे, डोंट स्नीज। और जैसे बोले है कि क्लास में मत छीको, पहले मत छीको फिर छीकेंगे, मत छीको, क्या बोलेंगे, नॉट स्नीज, और बोलेंगे क्लास में मत छीको, तो पहले बनाओ मत छीको का, मत छीको का क्या होगा, नॉट स्नीज, क्लास में, इन द क्लास, हाँ में के लिए किसका यूज करते हैं, बताए ना कि इन का मतलब क्या होता है, में, जैसे बोलेंगे क्लास में तो क्या बोलेंगे, क्लास में, इन द लगाओ नहीं लगाओ घबराने का जरूरत नहीं है, मन है तो लगाओ नहीं माने तो मत लगाओ, तो इन क्लास भी ठीक है और इन द क्लास भी ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन इन द क्लास बोलना, दो लगा के बोलना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हो जाएगा ना, तो बोलेंगे क्लास में मत छींको तो क्या बोलेंगे, डोंट स्नीज इन द क्लास, इसका हिंदी लिख लेगा ना, ठीक है, आ जाओ, छींकने वाला बात खत्म कर दिए, छींक रहा था ना बिना भाष का, तो राइट का मतलब क्या होता है, चलाना, किसके लिए और किसके लिए, जब दोनों तरफ पांव रख के चलाएंगे तब करेंगे। जैसे हम बोल दिए कि साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, तो बताओ, अच्छा बनाते उल्टा ना है, सीधा की उल्टा, उल्टा पहले किसका, चलाओ का, फिर किसका, चलाओ का क्या होगा, कैसे समझा, राइट होगा सर, दो चक्का है, हाँ और दोनों तरफ पांव रख के भी तो चलाते हैं, हाँ जाओ, राइट, और साइकिल है ना, ए साइकिल बोल सकते हैं, का है साइकिल को तो गिन सकते हैं, जब साइकिल को गिन सकते हैं, एक लिखा रहा है या ना लिखा रहा है, इंग्लिश में ए लगाते हैं, बताया ना, तो राइड अ साइकिल क्या बोलेंगे, हिंदी क्या हो जाएगा, साइकिल चलाओ, अगर बोल देंगे स्कूटी चलाओ, हाँ बना जाए, क्या बनाएंगे, चलाओ का क्या होगा, राइड, स्कूट ए लगाएंगे ना, स्कूटी को तो गिन ही सकते हैं, राइड है स्कूटी, स्कूटी चलाओ हो जाएगा ना, तो साइकिल चलाओ क्या बोलेंगे, बोलो जरा, राइड अ साइकिल, अच्छा सर बाइसिकल भी तो होता है, हाँ साइकिल बोलो या क्या बोल दो, एक के बात है, राइड अ साइकिल या राइड अ बाइसिकल, राइड अ स्कूटी हो जाएगा ना। अच्छा जैसे बोल देगा कि घोड़ा चलाओ, घोड़ा भी, घोड़ा में तो चक्का नहीं होता है, एक दोनों तरफ पांव रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बात समझ में आ गया ना, तो बोलेंगे घोड़ा चलाओ, चलाओ तो क्या बोलेंगे, राइड अ हॉर्स, ठीक है छाप लो आराम से। चलाना का सिखा रहे, बहुत ही चलाना का इंग्लिश होता है, खांसी हो गए रे,
कफ एंड कोल्ड का मतलब सर्दी खांसी, कहां लिख दे, ऊपर लिख दे, बोलते हैं कफ एंड कोल्ड। हिंदी में क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी, कफ एंड कोल्ड। यहां जो बोले ठीक से चलाओ, राइट प्रॉपरली, तो क्या चीज चलाने का बात हो रहा होगा, क्या चीज चलाने का, साइकिल होगा, घोड़ा होगा, मोटरसाइकिल होगा, यही तो हो सकता है। तुम्हारा साइकिल है तो मतलब साइकिल का बात हो रहा है, स्कूटी है तो स्कूटी का बात हो रहा है, राजदूत है तो राजदूत का बात हो रहा है, स्कूटर है तो स्कूटर का बात हो रहा है, स्कूटर अब स्कूटी हो गया है। हाँ बोलो, यू राइड अवाइस कल बस यू लगा देना, ये चीज टेंस में सिखाएंगे, ये तुम सीख गया, इसलिए बोले कि उस वीडियो जो डाले और हम ग्रामर सेक्शन सबका, तो उसमें देख लेना, तो तुमको आगे का चीज तुमको अभी समझ में आने लग जाएगा। तो पहले हम थोड़ा बेस बना रहे हैं, यू लगाना नहीं सिखा रहे, हम जानते हैं कि एक बार बोल देंगे यू लगा देना तो बच्चा समझ गया, आज उसको साइकिल चलाना ही नहीं आएगा, यू तो आता होगा, समझना है ना, इसलिए घर बना देंगे तो बिना प्लास्टर करके रहना स्टार्ट कर लेगा वो, घर नहीं रहेगा तो प्लास्टर कथी करेगा वो। बेटा इधर आप ले समझ लो ना, आ जाओ बोले प्रैक्टिस करो मेरे साथ, तो बोलो ठीक से क्या क्या इंग्लिश होता है, प्रॉपरली, या अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल दो, तो जैसे बोलेंगे ठीक से बैठो तो क्या बोलेंगे, ठीक से लिखो तो क्या बोलेंगे, हाँ ठीक से जाओ तो क्या बोलेंगे, ठीक से आना तो क्या बोलेंगे, ठीक है, बैठना का क्या बोलेंगे, सीट, वो क्या होता है, बैठने का, हाँ स्पेलिंग में अंतर है ना, हाँ अंतर है, वो एस सी ए टी सीट, वो एस आई टी सीट, जैसे अभी तुम बैठा हुआ है ना, हाँ तो कह सकता है दिस इज माय सीट, क्या कह सकता है, दिस इज माय सीट, जैसे अभी मान लो तुम वहां बैठा हुआ है, या तुम कॉपी रखे गया है लेकिन आके कोई और बैठ गया है, तो तुम उसको क्या बोलेगा, बोलेगा यह का इंग्लिश दिस, है का इंग्लिश इज, मेरा का इंग्लिश माय, अब बैठने का स्थान का इंग्लिश दिस इज माय सीट, अभी दिखा के कह सकते हैं ना, जैसे दिखा के कह सकते दिस इज माय सीट, मतलब क्या हो जाएगा, या मेरा स्थान है या मेरे बैठने का स्थान है, एक ही बात है, वो भी बोल सकते हैं हिंदी में, या मेरा स्थान है या मेरे बैठने का स्थान है, दिस इज माई सीट कह सकते हैं ना, तो समझा रहे इस सीट का यूज कैसे कर रहा है। चलाना का बोले कि बहुत सारा इंग्लिश होता है, इसमें एक सीख है, कौन सा सीखे है, राइड, राइड का मतलब क्या होता है, चलाना, कब यूज करते हैं, जब दो चक्का हो या दोनों तरफ पांव रख के चलाएंगे, जैसे बोलेंगे साइकिल चलाओ तो क्या बोलेंगे, स्कूटी चलाओ, राइड अ स्कूटी, हाँ मोटरसाइकिल चलाओ, हाँ घोड़ा चलाओ, राइड अ हॉर्स, अच्छा छींकना का
अस्नीज, क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, क्या बोलेंगे? मत छीको, डोंट स्नीज। अच्छा, मे का इंग्लिश क्या होता है? इन। जैसे बोलेंगे क्लास में तो क्या बोलेंगे? इन द क्लास। स्कूल में? हाँ। गांव में? इन द विलेज। क्या बोलेंगे? हाँ। घर में? इन द हाउस। देखो, दो लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? लेकिन अगर बोल देंगे पटना में तो इन पटना, तभी इन द पटना नहीं होगा। प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए ग्रामर सेक्शन में बुझ जाएगा अपने। चलो, तो बोलेंगे अब मेरे बैठने का स्थान है तो क्या बोलेंगे? दिस इज माय सीट। अगर बोलेंगे कि वह तुम्हारे बैठने का स्थान है तो क्या बोल देंगे? दिस इज योर सीट। मेरा रहेगा तो क्या बोलेंगे? माय सीट। मेरा रहेगा तो, और तुम्हारा रहेगा तो योर सीट। दिस इज योर सीट, ठीक है ना। सर्दी खांसी को क्या बोलते हैं? सर्दी खांसी को कफ एंड कोल्ड। क्या बोलेंगे? कफ। कफ क्या बोलेंगे? कफ एंड कोल्ड। एक बार फिर से बोल दो, क्या बोलेंगे? कफ एंड कोल्ड। अच्छा, एक चलाना सीख लिया ना, अब दूसरा सीखो। ड्राइव क्या बोलते हैं? ड्राइव का मतलब ही होता है चलाना, लेकिन दो चक्का के लिए नहीं, ये तीन चक्का नहीं, तीन चक्का से अनगिनत चक्का के लिए। किसके लिए? तीन चक्का को उचक्का मत समझ लेना। एक दिन लिखे थे तीन चक्का, वो लड़का समझ ले उचक्का, सट के लिखा गया था हमसे। अभी कहीं से तुम सटा के लिख देगा तो इसको तुम तीन चक्का समझेगा कि उचक्का, मत समझना कि उचक्का के लिए, समझ गया ना? हाँ, तुम कहेगा अच्छा उचक्का के लिए है। नहीं नहीं नहीं, तीन चक्का, तीन चक्का से कितना चक्का के लिए? अनगिनत, कोई भी चलेगा अनगिनत। देखो, जैसे बोल देंगे बस चलाओ, तो बस में कितना रहता है? सर तीन से तो ज्यादा ही रहता है कि नहीं? तीन भी चलेगा तो क्या बोलेंगे? पहले किसका इंग्लिश, फिर किसका इंग्लिश? तो यहाँ पे चलाओ का इंग्लिश राइड होगा कि ड्राइव होगा? बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्राइव। अब बस को क्या बोलेंगे? बस को बस, मतलब अब बस बोलो, काहे की बस को सर गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो ये आ जाता है इंग्लिश में। कलम का इंग्लिश पेन होगा कि ऑपेन होगा? ऑपेन होगा, समझ में आ गया ना? वही बात है। तो बोलेंगे बस चलाओ तो क्या बोलेंगे? ड्राइव बस। अगर बोल देंगे ट्रेन चलाओ, हाँ ट्रेन चलाओ, तो पहले किसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ट्रेन का क्या हो जाएगा? ड्राइव और ट्रेन ना हो जाएगा? तो बोलेंगे बस चलाओ तो क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे ऑटो चलाओ, ऑटो चलाओ, तो पहले क्या बोलेंगे? ड्राइव। ए ऑटो की एन ऑटो, जरा सोचो, ऑटो की एन ऑटो, एन ऑटो होगा, होगा कि नहीं होगा? याद है कि भूल गया? देखो, हिंदी में क से लेकर के ज्ञा तक, कहां तक? ज्ञा तक, तुम लगाना ए, और उससे पहले जो भी आएगा लगा देना एन। ये कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आया? जैसे तुम लोग इसको ना फॉलो करता है, किसको? ए ई आई ओ यू को ना फॉलो करता है, लेकिन ये रूल 100% काम नहीं करता है, 98% काम करता है। और ये रूल तुमको कितना काम करेगा तो तुम ही बताओ कि कौन ठीक रहेगा, ठीक ना? ये काम क्यों नहीं करता है, देख लो क्यों नहीं करता है। जैसे ले लो यूरोप, इसके पहले क्या आना चाहिए इस रूल के अनुसार? इस रूल के अनुसार क्या आना चाहिए? इसके पहले आता है एन, एन आना चाहिए ना, लेकिन एन लगा देगा तो गलती है, समझ में आ गया ना? अच्छा, इस रूल के अनुसार चल जाओ तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो यूरोप, लिखे यो आता है ना, यो क के पहले आता है, क के बाद आता है, बाद आता है तो क्या लगाएंगे? ए लगा दो तो सही है। तुम बताओ कौन सा सही रूल है? इसका मतलब ये रूल जो पढ़ाता है कोई तो गलती है कि सही है, समझ में आ गया ना? तो ये रूल है तुमको बचपन के लिए, ये किसके लिए है? आज तुम लोग का बियादान हो चुका है, तुम बचपन में है, बचपन में है, देखो बचपन में लग रहा तुमको देखने से, तो बचपनों से हमको छोड़ना लग रहा है। अच्छा समझ में आ गया ना? तो ये तुमको किसके लिए है? बचपन के लिए। ये तुमको किसके लिए है? समझ में आ गया ना? तो बचपन में लागू भूल जाओ, गुड इंग्लिश में था
अब आ जाओ 55 वाला में, तो फॉलो करना हिंदी में, मतलब तुमको ए और एन लगाना हो तो उसका हिंदी लिख लेना, देखना क से पहले आता है कि क के बाद आता है। क से पहले आएगा तो क्या लगा देंगे एन, और क के बाद आएगा तो क्या लगा देंगे, खत्म, कुछ नहीं है, ठीक ना, देख लो इतना। इस पे चार क्वेश्चन चेक करते हैं, चेक हो जाएगा यहीं पे। एप्पल लगा दो, किस में ए लगेगा किस में एन लगेगा, हाँ उसी में लिख दो ना, हाँ कहाँ ए कहाँ एन ना हो जाएगा। तो चलाना का एक इंग्लिश मिला था, क्या सा क्या था उसका, राइड, और दूसरा क्या मिला, ड्राइव। ड्राइव का मतलब ही क्या होता है, चलाना, लेकिन कितना के लिए, तीन चक्का से ऊपर के लिए, कितना के लिए, हाँ जैसे साइकिल के लिए होगा, देखो साइकिल के लिए ड्राइव होगा नहीं ना, होगा सर नहीं होगा, तीन से नीचे है ना उसके लिए राइड हो जाएगा, समझ में है ना, कोई बाइक चला रहा है तो ड्राइव और बाइक मत बोलना, राइड और बाइक बोलना पड़ेगा तुमको, बस चलाओ तो क्या बोलेंगे, ड्राइव और बस। हाँ हेलो, उसको बोलो कि या तो क्यूटी भेज दो, क्यूटी में यहाँ पे भेज दो ना, क्या नाम है ऐसे पंडित का, तो कॉमर्स क्लासेस है ना, तो उसको रुको ना, हम आ रहे हैं 10 मिनट, रुको दुकान में बैठाओ। मिठाए तो बोलेंगे, बस चलाओ तो क्या बोलेंगे, ड्राइवर बस, ट्रेन चलाओ तो क्या बोलेंगे, ड्राइवर ट्रेन, ऑटो चलाओ तो क्या बोलेंगे, तब देखना गाड़ी घोड़ा सब तो मन में बोलना, मन ही में बोलना, हाँ इसका ड्राइवर ऑटो होगा, अच्छा ऑटो होगा कि एन ऑटो होगा, एन होगा, बोलेंगे या मेरे बैठने का स्थान तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई सीट बोलेंगे ना।
अच्छा ए और एन लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, क से पहले के लिए हिंदी में, हिंदी में क से पहले के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और हिंदी में क से लेकर के ज्ञ तक के लिए क्या लगाते हैं? हाँ अच्छा, क में क्या लगाएंगे? क से लेके ज्ञ तक, तो देख लो, देखो ये क्या है, एप्पल ए से ना स्टार्ट होगा, बॉल क्या से स्टार्ट होगा? ब से, कैट कैट क से स्टार्ट होगा, क से, डॉग क्या से स्टार्ट होगा? डॉ से। देख लो ए क से पहले है ना, तो क्या लगेगा? एन लगेगा ना, हाँ वो क के बाद है ना ए। अच्छा क क ए है तो क्या लगेगा? ए, ये तो क के बाद है, नहीं आसान है। एन से अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी भी कोई एग्जाम में भी तो नहीं बन जाएगा, डाउट है? हाँ गलती है ना, डाउट नहीं गलती है, यहाँ पे ए होना चाहिए ना। लय में बोल दिए थे, रिसाइट का मतलब होता है लय में बोलना, आर ई सी आई टी, रिसाइट मीन्स बोलना होता है, क्या होता है? बोलना, लेकिन कैसे? लय में, जैसे हम लोग नहीं प्रार्थना करते हैं तो सब आदमी एक साथ लय में बोलते हैं, जन गण मन अधिनायक जैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसा होता है, कोई जन पे है, कोई गण पे है, कोई मन पे है, और कोई धन पे भी रहता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, सब एक साथ रहते हैं ना, सब एक साथ लय में बोलते हैं ना, तो रिसाइट बोलते हैं। नहीं कभी कभी कविता सब बोलते हैं, पोयम वगैरह, तो लय में बोलते हैं, रिसाइट आ पोयम, रिसाइट आ पोयम। हिंदी क्या हो जाएगा? कविता बोलो, बोलो। तो बोलना का तीन गो इंग्लिश अभी तक दे दिए तुमको हम, क्या वो दे दिए ना, दे दिए तीन गो, कौन कौन याद है? हाँ देखो, मुल्ला का तीन गो दे दिए, कौन कौन? एक वो स्पीक दिए थे, एक वो क्या दिए थे? टेल, जैसे बोले थे इंग्लिश बोलो तो क्या बोलेंगे? स्पीक इंग्लिश बोलेंगे, मुझे बोलो तो क्या बोलेंगे? टेल मी। एक बार क्या दे दिए? रिसाइट। और देंगे धीरे धीरे, देते रहेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से देंगे, क्या आ जाओ। तो बोलेंगे एक कविता बोलो तो क्या बोलेंगे? रिसाइट अ पोयम, क्या बोलेंगे? हाँ तुम लोग को भी पढ़ना है तो इसमें एक प्रोज पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है? पोयम पढ़ना है, टोटल 21 को चैप्टर है। तो प्रोज का मतलब होता है कहानी, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ेगा एक चैप्टर, पहला चैप्टर, और एक पढ़ेगा जॉन डन के बारे में कविता में, पोयम में, इसका मतलब कविता होता है। लिख लो, प्रॉपरली का मतलब क्या था? ठीक से, एक होता है स्लोली, धीरे धीरे, कोई अगर जोर से बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? धीरे धीरे बोलिए, क्या बोलेंगे? हाँ धीरे धीरे बोलिए। तो क्या हो जाएगा? पहले बोलिए का बनाते हैं ना स्पीक, और धीरे धीरे का स्पीक स्लोली। कोई जल्दी जल्दी लिख रहा है क्या बोलेंगे? राइट स्लोली, ठीक है ना, ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ, तो क्या बोलेंगे? ना हो जाएगा आराम से, सोचना अपना। धीरे धीरे खाओ तो क्या बोलेंगे? ईट स्लोली।
लिख ले उधर, मिटा दे। तो बोलना का क्या इंग्लिश हो गया? कौन कौन? स्पीक, टेल आउ, रिसाइट। एक कविता बोलो, रिसाइट अ पोयम। धीरे धीरे का क्या बोलेंगे? स्लोली बोलेंगे, ठीक। धीरे धीरे बोलिए तो क्या बोलेंगे? स्पीक स्लोली। धीरे धीरे लिखिए, हाँ। धीरे धीरे खाओ, इट स्लोली। अच्छा, दुगो चलाना सीखा ना? कौन कौन चलाना? क्या को सीखा? कौन कौन? राइड और ड्राइव। दो चक्का के लिए भी हो गया, दो से ऊपर भी हो गया, अनिर्धन चक्का भी हो गया। अब देखो, पानी में जो नाव वगैरह चलाते हैं ना, उसको चलाने के लिए रॉ करते हैं। रॉ का मतलब होता है खेवना। क्या होता है? खेवना। लेकिन चलाना ही होता है, रियल में होता क्या है? चलाना। शुद्ध हिंदी में कहते हैं खेवना। नाव को नहीं, नाव पे बैठ करके दोनों तरफ रहता डंडा ऐसे करके चलाते हैं, तो खेवना बोला जाता है उसको। खेवना बोलो या हिंदी में क्या बोलो अपनी भाषा में? चलाना। किसके लिए यूज करते हैं? नाव के लिए, पानी में। जैसे बोलेंगे नाव चलाओ, नाव चलाओ, तो इसका क्या बनेगा? कौन बनेगा? ड्राइवर, ड्राइवर बोट, नाव का बोट होता है। भले किसका बनाएंगे? चलाओ का। फिर किसका बनाएंगे? नाव का। चलाओ का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहां पे? रॉ, अबोट, नाव चलाओ या नाव खेबो कह सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो वहां पे ड्राइव मत लगा देना या राइड मत लगा देना। अच्छा, एक तो नाव हो गया। अच्छा, जैसे पानी में एक नाव भी चलाते हैं, पानी में बड़ा बड़ा जहाज सब भी चलता है, नहीं बड़ा बड़ा जहाज चलाते हैं, तो पानी में बड़े बड़े जहाज को चलाने के लिए सेल का यूज करते हैं। SAIL, सेल। सेल का मतलब भी होता है चलाना। इन किसको चलाना? हाँ, बड़ा बड़ा जहाज। कहाँ? पानी में। तो पानी में बड़े बड़े जहाज को चलाने के लिए किसका यूज करते हैं? हाँ, जैसे बोलेंगे जहाज चलाओ तो क्या बोलेंगे? जहाज चलाओ। तो पहले किसका इंग्लिश? चलाओ का। फिर किसका? हाँ, चलाओ का क्या हो जाएगा? सेल। और जहाज का? जहाज की सिप, सेला सिप। देखो, नहीं बोलेंगे सेला सिप, जहाज चलाओ। और बोलेंगे नाव चला तो रॉ बोट, लेकिन जहाज चला तो सेला सिप। अच्छा, हवाई जहाज भी चलाते हैं ना हम लोग, एविएट बोलते हैं। एविएट का मतलब चलाना, लेकिन हवा में उड़ाना। हवा में चलाते हैं कि हवा में उड़ाते हैं? तो हवा में चलाएंगे तो फिर सेल का यूज नहीं करेंगे या रॉ का यूज नहीं करेंगे, ड्राइव का नहीं करेंगे, राइट का नहीं करेंगे, किसका करेंगे? एविएट। क्या बोलेंगे? एविएट। हाँ, जैसे बोलेंगे हवाई जहाज चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, तो क्या बोलेंगे? एविएट एंड एरोप्लेन, एविएट एंड एरोप्लेन, हवाई जहाज चलाओ। अच्छा, हम लोग कंप्यूटर भी चलाते हैं ना, कंप्यूटर चलाते हैं तो ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट का मतलब ही होता है चलाना। जैसे बोलेंगे कंप्यूटर चलाओ तो क्या बोलेंगे? ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब हो रहा होगा, आराम से हो जाएगा धीरे धीरे। ऑपरेट अ कंप्यूटर, कितना चलाना का इंग्लिश हो गया? हर चलाना का इंग्लिश अलग अलग हो जाएगा।
जैसे अगर मान लो तुम्हारा दुकान है, जैसे मेरा कोचिंग है, हम कोचिंग चलाते हैं ना, दुकान रहता दुकान चलाते, सब चलाते, तो यहां भी चलाने का इंग्लिश होता है रन। रन का मतलब ही होता है चलाना। रन का मतलब क्या होता है? चलाना। जैसे बोलेंगे दुकान चलाओ, दुकान चलाओ, तो इसका हो जाएगा रन अ शॉप। जैसे कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग चलाओ, तो क्या बोलेंगे? रन कोचिंग। और जब तुम्हारा आ जाएगा तो अ के जगह योर आ जाएगा, समझ में आ गया ना? मेरा आ जाएगा तो ए के जगह माई हो जाएगा, तब ए नहीं आता, ठीक है ना? अगर मेरा कोचिंग आ जाएगा तो ए माई कोचिंग नहीं, ए हट जाओ, माई कोचिंग, ठीक ना? लेकिन जब तक माई नहीं है तो वहां पे समझ जाओ कि ए आता अकेला। हाँ, तो रन आ कोचिंग, रन आ शॉप, ऑपरेट कंप्यूटर, रॉ ए बोट, सेल अ शिप, एविएट एन एरोप्लेन, ड्राइव एन ऑटो, आया चलाना का सब क्वेश्चन दे, ठीक है? समझ में ना? तो बोलेंगे नाव चलाओ, तो क्या बोलेंगे? रॉ रॉ। क्या बोलेंगे? रॉ अबोट। क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे जहाज चलाओ तो क्या बोलेंगे? सेल अ शिप। हवाई जहाज चलाओ तो क्या बोलेंगे? एविएट। क्या बोलेंगे? एविएट, एविएट एंड एरोप्लेन। कंप्यूटर चलाओ तो क्या बोलेंगे? ऑपरेट अ कंप्यूटर। दुकान चलाओ तो क्या बोलेंगे? रन अ शॉप। कोचिंग चलाओ तो क्या बोलेंगे? रन अ कोचिंग। साइकिल चलाओ तो क्या बोलेंगे? याद करो, राइड, राइड अ बाइसिकल या राइड अ साइकिल। स्कूटी चलाओ तो राइड अ स्कूटी। हाँ, मोटरसाइकिल चलाओ तो राइड अ मोटरसाइकिल। अच्छा, और चलाना है, याद दिलाना। एक और चलाना होता है पुल। जैसे हम लोग ठेला वगैरह भी चलाते हैं ना, रिक्शा भी चलाते हैं ना, तो रिक्शा को चलाते हैं कि खींचते हैं? खींचते हैं, तो पुल करते हैं। पुल का मतलब ही चलाना, मतलब क्या होता है? खींचना। खींचना बोलो या क्या बोलो? चलाना। तो जैसे बोलेंगे रिक्शा चलाओ, रिक्शा चलाओ, तो क्या बोलेंगे? तो रिक्शा चलाते हैं कि खींचते हैं? बस, लेकिन चलाना तो भूले ना आएगा, बस बोलो पुल और रिक्शा। जहां पे भी खींचने का सेंस आ जाएगा, कैसा सेंस? तो वहां चलाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। धीरे धीरे सीखो, समझो, कोशिश करो, तो पुल और रिक्शा हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, तो बोलते हैं क्वेश्चन लिखो। साइकिल चलाओ, नेक्स्ट मोटरसाइकिल चलाओ,
स्कूटी चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, अपना दिमाग चलाओ, दुकान चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, ठीक से बोलो, अपने बोलने के ढंग पर ध्यान दो, अपने बोलने के ढंग पर ध्यान दो, क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस, जिसका नहीं होगा कल सिखाएंगे, क्या बकवास कर रहे हो, ठीक से आना, अरे वाह क्या ताजमहल है, अरे वाह क्या ताजमहल है, बस चलाओ, हो गया कि बाकी है, बस चला दिए है, लिखो बस चलाओ, रहने दो काफी है, और जितना पढ़ा उतना को अच्छे से पढ़ लेगा, आठ क्लास है ना, अच्छे से पूरा पढ़ लेगा।